रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जो हमने चारा काश्त किया हुआ है उसमें आए हैं, स्प्रे करने वाली थी तो आज हम स्प्रे करवा रहे हैं। तो उसकी जो दवाई है, स्प्रे की दवाई है जो, वो हम ले आए हैं। तो अभी हम बैठ के वेट कर रहे थे, जिन लोगों ने स्प्रे करनी है वो अभी नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आ गए हैं और पीटर चला के हमने पानी उनको करके दे दिया। मौसम भी आज बादल बने हुए हैं, कभी धूप निकल आती है कभी बादल बन जाते। दोस्तों यहाँ तक हमने पानी जो है ना उनको भर के दे दिया है ताकि नज़दीक हो जाए, उनको आसानी हो, दूर नहीं आना पड़े पानी लेने के लिए। वो सामने स्प्रे कर रहे हैं लास्ट वाले खेत में, तो यहाँ से इस तरफ नज़दीक आते जाएंगे। दवाई ना कुछ यदि मोटी छाट ना साफ करके मार दिए पानी। असल में जो सही स्प्रे होती है वो जो हाथ वाली मैनुअल मशीन होती है उससे होती है। तो ये जो है ये पीटर वाली है, इसका जो प्रेशर है दूर तक जाता है। जो कोंपलें होती हैं पौधों की, कोंपलें होती हैं, कोंपलों में जो है ना वो इसका पानी नहीं जाता तो इस वजह से ज़्यादा असर नहीं होता। अभी चेक करेंगे कि सही हो रही है स्प्रे या सही नहीं हो रही, असर होगा इसका या नहीं। स्प्रे सही नहीं करेंगे तो फिर बहुत मसला खराब हो जाएगा। जाहिर है इतना खर्चा किया हुआ है तो अगर कुछ बचेगा नहीं तो हमने जेब में से ये 1600 दिया, बाकी तो सारा उधार ही दिया। क्या बाकी सब उधार है, ये चारा बेच के फिर हम पैसे जो है ना अपना उधार उतारेंगे, बाकी जो है ना जेब से अभी हमने जो हल्का फुल्का डीजल वगैरह ऐसी चीजें ली हैं, बाकी बीज वगैरह खाद वगैरह वो सब हमने उधार लिया है कि ये सेल करके फिर हम इसके पैसे देंगे। बाजेगा तो उनको दे देंगे, नहीं तो उनको भी नहीं देंगे। ये बात हुई है कि नहीं? नहीं ये बात तो नहीं। थोड़ी देर के लिए हम गए थे मशीनों के पास और स्मेल काफी चढ़ रही है, छींके भी आ रही हैं उससे, तो हम तो वापस आ गए हैं। बहुत मुश्किल काम है, नहीं तो ये खुद ही करना चाहिए, खुद बंदा जो है ना वो आराम से कर लेता है। मैदा ठीक रहता है तो मैदा तो नहीं ठीक रहता, खरबूजा खा के करें ना। हाँ फिर ठीक रहते हैं। चारे वाला काम हमारा खत्म हो गया और थोड़ी सी दवाई हमने बचा के रखी थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कमाद जो है वो काश्त किया हुआ है उसको स्प्रे करनी थी, तो अभी वो पीछे टैंकी भर के रख ली है, अभी कमाद को स्प्रे करेंगे, बस यही काम है। तो चारे को सारा कंप्लीट हो गया, वहां से हम स्प्रे करके अपने डेरे पे वापस आ गए हैं।
बस जी स्प्रे का काम खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये काफी जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि ये कीड़ी की स्प्रे होती है, ये जब पौधा छोटा होता है तो उसकी जड़ें खाती है, जड़ें खाने की वजह से पौधा सूख जाता है, तो एक दो दिन भी हम लेट हो जाते तो नुकसान हो सकता था। लेकिन आज ही हमने कोशिश करके जल्दी जल्दी दवाई ला के दी स्प्रे करने वालों को, उन्होंने स्प्रे कर दी है। तो अभी स्प्रे ख़त्म हो गई है, वो चले गए हैं स्प्रे करने वाले। तो 1-2 बजे का टाइम हो गया दोपहर का, मैं भी सुबह से घर नहीं गया, तो अभी जाएंगे घर, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर जो भी कोई काम हुआ वो करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।